आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र। और आज मैं अमरावती में हूँ और ये देख सकते हैं मेरे पीछे ग्लैमर गाड़ी है। और ये गाड़ी जो है बहुत दिन से मतलब रखी हुई है, इसलिए वो चालू नहीं हुई। और मेरे पीछे देख सकते हैं एक छोटा सा गैराज है। तो भाई अभी गाड़ी वाले को मैंने फ़ोन किया था, ये छोटा सा टपरी है गैराज का, तो वो बोल रहा है 5-10 मिनट में आता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 5-10 मिनट में आएगा, वो कम से कम 15 मिनट या 1 घंटा तो भी खाएगा, क्योंकि तो सवेरे सवेरे का टाइम है। तो चलो थोड़ा सा देखते, नाश्ता भी नहीं किया है। तो मैंने अभी तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं गैराज छोटा सा बंद हुआ, गाड़ी यही रख देता हूँ राम भरोसे, और नाश्ता करने के लिए थोड़ा निकलता हूँ। ये है अमरावती का कटोरा नाका। कटोरा नाका इसलिए बोला जाता है कि ये जो रोड है, ये रोड सीधा कटोरा के तरफ जाता है। और यही फार्मेसी कॉलेज है अमरावती का बहुत बड़ा। और ये पोटे पाटिल रोड से नाम से ये कटोरा रोड जाना जाता है। आम तो बहुत सारे यहाँ आम वाले बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इस पीछे साइड में देखेंगे तो ये जाता है अमरावती सेगांव नाका, इरविन चौक राजापेट निकलता है। और ये परतवाड़ा मोर्शी की तरफ जाता है ये रोड। पुड़िया पाड़ा दिख रही है भाई, नाश्ता तो नहीं है, आके देखते हैं। सुधीर चाट भंडार में कुछ गर्मा गर्म है तो ज़रूर खाते हैं। यहाँ दिख रहा है भैया वड़ा। ये जो अमरावती का फेमस है, ये क्या मूंग वड़ा है क्या सर? ये एक मूंग वड़ा दे दो, अंदर बैठने के लिए जगह है। चलो भाई ये मूंग वड़ा खाते हैं यहाँ का सुधीर चाट भंडार में, बहुत प्रसिद्ध है। और रस्से वाला है ना भाई। अभी खा रहा हूँ मैं मूंग वड़ा, ये मूंग का बनाया हुआ है। खास करके विदर्भ साइड में कहीं भी जाएंगे ये मूंग वड़ा ही बेचा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आलू वड़ा भी मिलता है, लेकिन आलू वड़ा से ज़्यादा यहाँ के लोग जो है मूंग वड़ा पसंद करते हैं। और इसके साथ में रहता है ये देखिए चने की सब्जी देते हैं ये लोग। खा लिया है भाई मूंग वड़ा। और ये देखिए यहाँ का पानी भी बहुत ही अच्छा लगा, मतलब अक्सर कहीं का पानी बहुत ख़राब रहता है, लेकिन ये जो सामने जो दिख रहा है वो पानी बहुत ही अच्छा है। और ये लोग जो है समोसा वड़ा खा रहे हैं। चाय है तो थोड़ा सा सुधीर चहा कॉफी कॉर्नर पे चाय का भी चूस कर ले लेते हैं। एक चाय बना दो भैया, एक चाय ये वाला दे दो ना गरम, ये वाला दे दो एकदम फ्रेश वाला। तो भाई अभी यहाँ का चाय का टेस्ट भी ले लेते हैं। और ये है सुधीर चहा कॉफी कॉर्नर। तो अभी भाई यहाँ चाय मैंने पिया है, चाय भी अच्छा था और एक वड़ा भी खाया है वो भी अच्छा था। थोड़े से आम लगे हुए तो चलो मैं यहाँ के आम के भाव भी आपको अमरावती में कैसे दिया है वो बता देता हूँ। सकते हैं यहाँ आम, अरे कैसा दिया आम, आम कैसा दिया? 120 रुपये किलो, ये 120 रुपये। भैया मैं अभी जा रहा हूँ मैकेनिकल के पास, तो मैकेनिकल आ चुका है और इसको बता देता हूँ। अरे इरफान भाई कौन है? इरफान कौन? ये गाड़ी जरा देखो तो। अरे तुम आ ही नहीं रहे तो नाश्ता करने गया भाई, 5 मिनट बोल रहे हो आ रहे हो, आधे घंटे में तो कैसा चलेगा भाई, वो चालू नहीं हो रहा, जरा देखो। जोड़ मैकेनिकल तो आया नहीं, लेकिन उसका बेटा जरूर आया है भाई। अभी देखते हैं, उसका एक्सीलेटर का वायर ही टूट गया था, इसके लिए शायद चालू नहीं हो रही थी। पहली बात तो अभी
चालू करवाएंगे इसको। अरे पेट्रोल नीचे जा रहा है, मारो। अरे हाँ हाँ, मतलब ये इग्निशन लग गया, ये आपका इग्निशन लग गया। ये अपने पास ये रख देता मैं, और अपना वाला अच्छा, ये मतलब इग्निशन लॉक गया। ओके, और इसका ये चाबी वाला भी गया है भैया। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इग्निशन लॉक गया, इसको क्या बोलते हैं, ये सीडीआई गया, और ये कैमरन की बैटरी, ये तीनों चीज़ें भाई बिठाएंगे तो ये हो जाएगा गाड़ी शुरू। चलो भाई चलते अभी दुकान पर, देखते कितने का होता है। अभी देखो चलो जाएगा तो नया तो दौड़ेगा यार, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, अब चालू हो जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सीडीआई। तो सीडीआई, और ये, और इसको क्या बोलते हैं, लॉक को, इसको क्या बोलते हैं, इग्निशन लॉक। ये दो चीज़ें और एक बैटरी बदली अपन ने, है ना यार, दो चीज़ें बदल दिए, इग्निशन लॉक, सीडीआई। गाड़ी चालू हो जाता है क्या नहीं, क्योंकि गाड़ी बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो ये तीन चीज़ें इस मैकेनिकल के थ्रू हमने चेंज किया है। अब इतना होने के बाद देखते हैं भाई, ये लोग अभी फिट कर रहे हैं, इतना होने के बाद गाड़ी चालू होती है। अभी ये मुट्ठी भी ख़राब हो गई भाई, और केबल और मुट्ठी बिठाया ना, केबल मुट्ठी, क्या बोले, हाँ एक प्लग भी डाला है, क्लब केबल और मुट्ठी। देखते भाई और क्या क्या चेंज होता है इसका। पेट्रोल नली ख़राब हो गया, अरे बाप रे, क्या क्या ख़राब हो गया अभी इसका। देखिए ये पेट्रोल नली भी हो गई भाई ख़राब, ये बिठाया है, ये बिठाया है, ये बिठाया है, आखिरकार चालू हो गई है। सारा पार्ट जोड़ने के बाद ये गाड़ी हो गया है चालू। देखो भैया ये हो गया है गियर इसका खराब, ये रखने से ये बोली डालना नहीं, बॉटल में भर के देना भाई। ये काला हो गया मतलब खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया काला मतलब, हाँ तो चेंज करना आवश्यक था फिर तो। ये केबल भी डालना है तब ये जो है स्पीडोमीटर चालू हो जाएगा। ये मीटर गियर क्या बोलते इसको, मीटर गियर, अच्छा ये आयल। अरे लंबा फिल्टर तो अच्छा है ना, लाया है भाई ने चाय, और अभी ले लेंगे भाई चाय का नुस्खा। और क्यों देख रहा भाई, अबे आवाज़ भी ठीक आ रही है पहले से, लाइट चल रहा है। आगे का चक्का भी खुला था, बहुत सारा इसमें सामान ही, कम से करीबन 1000 रुपये का बैटरी और 1600 रुपये का पार्ट इसमें उठा है। ये मतलब 2600 में गया, बाद में यहाँ इसने भी बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट बिठाया है, केबल काबल। अब ये कितना निकालता है वो देखेंगे, अभी वही हिसाब किताब निकाल रहा है भाई। और कि जा जब भी खोलेंगे, ये ख़राब हुए कैसे समझता है ये इस पे से, हाँ चलो ठीक है बराबर। अच्छा एकदम ऊंचे वाले ब्रेक से फाइबर भी आता था इसके ऊपर जो है ना। अच्छा ये क्या रहता है इसके ऊपर, ये लेयर फाइबर आता, फाइबर उसके ऊपर नहीं था, वो घस गया, वो गलत हो गया। अच्छा हट लगा था, अच्छा ये इसका चक्का बिठा दिया है और गाड़ी हो गई अभी रेडी। ये देखिए भाई गाड़ी हो गई एकदम टकाटक, अभी इसको करते हैं वॉशिंग। ये 120 रुपये का कवर भी मैंने बिठाया है, और गाड़ी जो है
करीबन 5,000 रुपये इस पर खर्चा आया है, लेकिन गाड़ी एकदम टकाटक हो गई है, ग्लैमर है और गाड़ी ऐसी चलती है कि क्या बोलेंगे। अभी इसको वॉश करते हैं। ये हो रही भाई चकाचक गाड़ी। ये कैसा गाड़ी चमक रहा है भैया।